नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आए दिन अरुणाचल प्रदेश में लड़कियों के ऊपर में सेक्सुअल असॉल्ट कह लीजिए या फिर मोलेस्टेशन का केस बढ़ते ही जा रहा है। हाल ही में ही अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के दापोरेजो में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा ही अपने लड़कियों के ऊपर मोलेस्टेशन किया गया था। साथ ही साथ मैं बता देना चाहती हूँ कि रिसेंटली पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के सागाली में भी एक गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में वहीं के स्टाफ के द्वारा वहां पे स्टूडेंट्स को मोलेस्टेशन किया गया था। तो आज हम आए हुए इस सियांग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पासीघाट पे, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऑलरेडी यहां पे जो रैली ऑर्गेनाइज किया गया था, एक माइनर स्टूडेंट को अपने ही टीचर के द्वारा रेप किया गया है। इसको लेकर आज के दिन यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्टर आप देख सकते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके द्वारा रैली ऑर्गेनाइज किया गया था। और अभी जो टीम है, जो रैली के जितने भी प्रोटेस्टर है, वो डीसी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस के बाहर में ही ये धरना कर रहे हैं। और पुलिस के द्वारा यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है ताकि जितने भी प्रोटेस्टर है वो आगे ना बढ़ जाए। और अभी हम यहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइजर है उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ पब्लिक से भी बात करेंगे। जैसे मैंने मेंशन किया कि आए दिन अरुणाचल प्रदेश में गर्ल्स का मोलेस्टेशन, साथ ही साथ सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर केस बढ़ते ही जा रहे हैं और कई ऐसे केसेस भी है जो पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट नहीं किया जाता है, जो दबाया जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कह लीजिए या फिर फैमिली के दबाव में। तो अभी चलिए देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। तो अभी हम बात करेंगे विक्टिम के फैमिली मेंबर्स और डिटेल जानेंगे एग्जैक्टली उस दिन इंसिडेंट क्या हुआ और एज ऑफ नाउ बच्ची का हालत क्या है वो हम जानेंगे। चलिए आपसे हम सीधा डिटेल जानना चाहिए एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ और अभी बच्ची का हालत कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रदर हूँ विक्टिम का। तो इंसिडेंट ऐसा था, आपका शुरुआत से मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगा। क्लास में टीचर जो अपना नंबर देता है हर स्टूडेंट को, कि ब्लैक बोर्ड में लिख के देता है कि आप लोग कभी भी सिलेबस बेस अगर आपको कंफ्यूजन हो आप काइंडली कंटेक्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट कंटेक्ट बहन जो 15 अगस्त को करता है, 15 अगस्त दिन के दो से टू थर्टी के बीच में सर को कॉल करके पूछता है सर कल स्कूल होगा क्या 16 को, तो उन्होंने कन्फर्म नहीं किया। उसके बाद वही से ये बात शुरू होता है और वही से सर बीच बीच में हेलो हाई करता था। तो बहन का स्टेटमेंट का थ्रू यही है कि बहन उसको रेस्पेक्टफुली हेलो सर हेलो हर बार, बहन जब भी सर शुरुआत टेक्स करता था और बहन वही हेलो सर कुछ भी जरूरत हो ये करता था। एंड देन जो नेक्स्ट स्टेप हुआ 19 अगस्त 2022, 19 अगस्त के रात को 9 से 9:30 के बीच में बहन को एक टेक्स आता है सर का थ्रू। सर उसमें टेक्स करता है कि फ्री होने से कॉल करो। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहता हूँ, कहाँ से कोई सर रात का 9 से 9:30 को आप कोई स्टूडेंट को फ्री होने से कॉल करो, ये कौन सा ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लिखा है, ये हम क्वेश्चन मार्क लगाना चाहता है। एंड देन वो समय बहन भी एक पिताजी का रूप में, एक गुरुजी का रूप में उसको प्रायोरिटी देके कॉल किया है। उन्होंने फिर उससे उसमें बात किया, बात करके सर जो उसको बोलता है कि चलो घूमने चलते हैं। तो ऐसे करके बहन उसमें डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं हमको मेरा फैमिली अलाउ नहीं करता है, मेरा फैमिली रेस्ट्रिक्ट है, आई हैव माय ब्रदर आई हैव माय सिस्टर, तो हमको अलाउ नहीं करता ये सब। और कोई ये भी नहीं, कोई पॉइंट भी नहीं बनता कि मेरा वो टीचर का साथ रात को जाने के लिए। एंड देन इंसिडेंट का 20 अगस्त 2022, ये इंसिडेंट आपका 4 से 4:30 के बीच में हुआ है। एंड देन बहन जो स्कूल से आ रहा था, आपका क्लासेस होने के बाद वो सोलुंग होने जा रहा है, उसके लिए डांस पार्टिसिपेट कर रहा था, तो डांस पार्टिसिपेट करने के लिए करके वो घर जाता है और वही सर का नंबर अननोन नंबर एक से कॉल आके उसको बोलता है आओ ना मेरा आपका रूम में, आप आओ ना मेरा घर में, उसका जो क्वार्टर है उसमें बुलाता है। तो बहन डायरेक्ट मना कर देता है सर हम बिजी है हम नहीं आ सके, हम मेरा दोस्त का उधर से पलना कपड़ा लेना है डांस के लिए, ऐसे करके वो घर जाता है। उसके बाद आप लोग को एक छोटा सा ये पॉइंट भी बताना चाहेगा, मेरा बहन रिसेंटली अगस्त 1-2 तारीख को ही पासीघाट आया है 15 डेज के लिए, वो लीकावली में था 15 डेज के लिए, वो फास्टिंग में भी था, फास्टिंग लेके वो बैठा हुआ है, उसके बाद आया, उसका 15 डेज सिलेबस डिले का वजह से वो दिन को वो बहन जूनियर एक बहन से वो कपड़ा लेने गया था, कपड़ा लेने का थ्रू
चलो सर का उधर विजिट करेगा, एक सिलेबस 15 डेज मामूली नहीं है, 15 डेज का सिलेबस वो कवर करने के लिए वो सर को पूछने गया है। तो उसी समय सर का उधर गया है, सर को वो पूछा है सिलेबस, सर सिलेबस दीजिए ना। तो उसने सर ने बोला तोरा बाद में देगा। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पीने का ऐसे ऐसे पूछताछ करके कोल्ड ड्रिंक्स मंगाया। उसके बाद बैठ के फिर बहन सर लेट हो रहा है, हमको सिलेबस चाहिए था। उसमें सर बोलते हैं एक दो दिन में देगा, थोड़ा बेहतर ना, इतना लेट नहीं हुआ है, ऐसे करके बोलता है। उसके बाद आपका जो बहन है, सर ऐसे अगर आप लेट करेगा तो हम जा रहे, मेरा पेरेंट्स लोग अलाउ नहीं करता, मेरा फैमिली, मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर, कोई हमको अलाउ नहीं करता इतना शाम तक घूमे, और हमको दोस्त का उधर से कपड़ा भी लेने जाना है, जो ऑर्नामेंट्स लेने जाना है, ऐसा बोल के वो निकलने के करता है। वहीं पे दो स्टेप करने सामने सामने पहुंचता है, वहीं पे सर उसको रास्ता को ब्लॉक कर देता है, उसका दोनों हाथ को पकड़ के। एक सोचिए अब, एक 38 इयर्स का टीचर और एक 16 इयर्स का स्टूडेंट को दोनों हाथ को पकड़ के हैंडल करने के बाद वो इतना ब्रूटली करके उसका ब्लीडिंग इतना हुआ है। उसके बाद उसको वो जब वॉशरूम जा रहा होता है, वॉशरूम से आने के बाद भी आपका नहीं छोड़ता है वॉशरूम के बाद। उसके बाद वो घर से जैसे तैसे करके निकल लेता है। उसके बाद वो हम लोग को ऐसे फैमिली हम लोग को बताने के लिए ये चीज़ होने के बाद वो बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं लगी, वो अपना दोस्त को कॉल करता है, दोस्त को कॉल करके पूछता है, बताता है मेरा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है ये वो। उसको भी वो नहीं बताया वो समय की क्या हुआ है। उसके बाद ओवर ब्लीडिंग का वजह से वो प्राइवेट ये में गया, आरके में जाके देखा, डॉक्टर नहीं था, फिर जनरल हॉस्पिटल बाकिंग पट्टी में गया है। उधर में ही आपका ओटी रूम में ओवर ब्लीडिंग होने का बाद ऐसे होके 3 यूनिट उसको ब्लड ये क्या है, अभी 3 यूनिट ब्लड कम नहीं है ना, 1 यूनिट भी आपका इधर उधर हो जाने से आदमी का कैसे हो सकता है। और वो 16 इयर्स ओल्ड का बच्चा वो सदमा में आपका वो समय में वो इतना अपना कोशिश किया है ताकत लगाने के, लेकिन भी वो उधर से नहीं छूट सका है। तो अभी मेरा बहन का सिचुएशन मेडिकल कंडीशन हर रिपोर्ट भी वही बोल रहा है इसका साथ बहुत ब्रूटली हुआ है ना, एंड 16 इयर्स ओल्ड का साथ इतना ब्लीडिंग होने का आप लोग को सब मीडिया का सामने है, आप सब जनता का सामने में है। तो उसका अभी मेडिकल केस हिज इम्प्रूविंग, हील हो रहा है ना धीरे धीरे, बट मेंटली जो प्रॉब्लम फेस करता है वो फैमिली और उसको फैमिली भी इतना नहीं जानेगा जो वो अंदर से फेस कर रहा होगा। कल को वो जो स्कूल जाएगा, जो फ्रेंड सर्कल में बैठना चाहेगा, कल को बाजार जाना चाहेगा, वो किस मुंह को लेके वो बाजार जाएगा, वो चीज़ को लेके उसका वही खराब केस है ना, क्योंकि कोई भी आके स्टेटमेंट लेता है ये वो करता है, उसमें उसको बीच बीच में सांस आपका बैक पेन सब कुछ होता है। तो हम लोग फैमिली वाला आँख से आंसू इतना निकालता है, बट टुडे वी आर हियर बोल्डली, हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग से खड़ा है, क्योंकि कल को किसी का बहन का साथ, आज मेरा बहन का साथ हुआ है, कल को किसी का बहन का साथ नहीं होना चाहिए ना। थैंक यू। अभी अभी क्योंकि आज आप लोगों का तरफ से प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया, काफी लोग जुड़े हैं इसमें, तो एग्जैक्टली क्या डिमांड है? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि ऑलरेडी जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज्ड है, उसे अरेस्ट किया गया है, तो अभी आप लोग की तरफ से एज ए फैमिली मेंबर क्या डिमांड है? ऐसे फैमिली मेंबर हम लोग का 3 मेन मैंडेटरी बोलेगा 3 मैंडेटरी हम लोग का डिमांड है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जॉब से टर्मिनेशन, इसका जॉब से टर्मिनेशन होना है। सेकेंडली आपको बताना चाहेगा, रेपिस का कोई कल्चर नहीं होता और कोई जाति नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई खास नहीं होता ना, तो उसको वो चीज़ से बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि आज वो नोंग जमो जो रेपिस थे उसको उसका वजह से आज किसी जमो फैमिली को हार्म नहीं करना चाहिए। आज हम लोग का साथ इतना स्टूडेंट, मेरा फ्रेंड सर्कल में भी जमो दोस्त भी है ना, तो वो लोग सब साथ देने आए। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिलीजन और एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी बेसिस, वी आर अगेंस्ट द रेपिस्ट, जो रेपिस्ट का ऊपर में हम लोग ये है। और हम लोग का लास्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी हम लोग का डिमांड यही है कि उसको पब्लिकली पब्लिक का जनता का सामने में आपको ला के 15 मिनट के ही सही, आपका पुलिस कस्टडी का साथ में ही सही, आपको 15 मिनट के लिए निकाल के आपका उसका मुँह से स्टेटमेंट, उसका मुँह से कन्फेशन चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, मेरा बहन अगर जितना ये करने से भी आपका उसका कन्फेशन नहीं होने से कल को गलत स्टेट लेगा, मजिस्ट्रेट ये जवाब देगा, ये गवर्नमेंट जवाब देगा,
ये पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर है वो जवाब देगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहता हूँ इसमें, क्या जवाब देगा? उसके बाद आपका मोस्ट प्रोबेबली उसको हैंग टिल डेथ हमको जे ऑल टाइम प्रिजन भी नहीं चाहिए, हैंग टिल डेथ, बट बिफोर डेथ हमको कन्फेशन चाहिए, फैमिली का सामने, पब्लिक का सामने, सबका सामने में हमको कन्फेशन चाहिए। विदाउट कन्फेशन हम लोग मानने वाला में से नहीं है। आज आपसू का थ्रू हम लोग जितना स्टूडेंट यूनियन, मेरा लोअर सियांग का इतना स्टूडेंट यूनियन, यहाँ का मेरा सियांग का जितना भी दोस्त, मेरा जितना भी स्कूल फ्रेंड्स, मेरा स्कूल भाई बहन है, जितना भी जुड़ा है, सब लोग कभी हाथेगा नहीं ना, हम लोग पीछे हटने वाला से नहीं है। क्योंकि ये जो रेपिस्ट है, आप लोग को एक थोड़ा बैकग्राउंड भी पता चला है कि वो एक बार नहीं, पहले भी एक बार कर चुका है आपका एक स्टूडेंट का साथ ना। तो आई डोंट नो इन विच केस वो लोग नहीं निकाल सका, क्योंकि हर किसी का दिल भरा नहीं होता है ना, तो उसमें स्ट्रेन नहीं लगा सके वो लोग, हो जाएगा सोच के ऐसे मान लिया, बट देन वी वोंट गिव अप, हम लोग गिव अप नहीं करेगा इस तरह, हम लोग गिव अप नहीं करेगा ना। अभी हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के वुमन विंग के टीम है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सभी आए हुए हैं। तो हम पहले प्रेसिडेंट से बात करेंगे, उसके बाद दूसरे मेंबर से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में, क्योंकि आज का जो रैली है वो काफी सेंसिटिव इशू में भी है, और पहले जब से आप लोग बने हैं मेंबर, आप लोग की तरफ से काफी चीजों में आप लोगों ने मुद्दा में बात रखा है, लेकिन आज का जो बात है वो क्लियर कट जो पुलिस डिपार्टमेंट उनकी तरफ से भी एक्यूज को मेंशन किया गया इस तरीके का है। और मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि आए दिन अरुणाचल में गर्ल्स के ऊपर मोलेस्टेशन और सेक्सुअल असॉल्ट का केस बढ़ते ही जा रहा है, अनरिपोर्टेड कहिए, रिपोर्टेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा, क्योंकि आज आप लोग भी अटेंड किया है ये रैली को और आप लोग की तरफ से ही ऑर्गेनाइज किया गया था, तो और क्या मुद्दा लिया जाएगा ताकि लोगों के बीच में भी अवेयरनेस हो और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट भी देखे ये सब चीज़ को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप आए मीडिया पर्सन, आप आए और हमारे साथ दिया, सहयोग किया, ये जितना भी रैली को आपने फोकस किया उसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ आपसू, ऑन बिहाफ ऑफ आवर वुमेन्स सेल टीम। सो देखिएगा, हमने फोर पॉइंट रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप सभी को पता है ये केस के बारे में। सो हमारे जो आपसू की तरफ से है चार तरफ डिमांड से, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि इमीडिएट सस्पेंशन हो उसको, सस्पेंशन लेटर आ जाए उसका, साथ ही साथ उसके साथ साथ में टर्मिनेशन भी होगा, सस्पेंशन आ जाए उसके बाद टर्मिनेशन, एंड सेकेंडली स्पीडी जस्टिस फॉर द विक्टिम, और उसके साथ साथ जो एक्स ग्रासिया अमाउंट है उसको अर्ली जल्दी डिस्पर्सन कर दीजिए, और जो पोर्ट रहेगा दे विल डी इमीडिएट फाइलिंग फॉर डिस्चार्ज सीट, ये हमारा पोर्ट डिमांड है आपसू का तरफ से, और हम चाहता है कि ये डिमांड को जल्द से जल्द गवर्नमेंट है उसको काइंडली पूरा कर दीजिए। तो अगर इनकेस ये अगर पूरा नहीं होता है तो डेफिनेटली विल गो फॉर अ सेकेंड पेसेस, जो कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा, हम लोग सेकेंड पेस के लिए भी लीड करेगा। और दूसरा बात ये है कि हम लोग भी चाहते हैं कि इसमें फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर इफ ही फाउंड गिल्टी, जो कल्प्रिट है वो गिल्टी फाउंड मिलता है, तो उसको काइंडली जैसे भी उसको एज पर दी लॉ से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और उसको एक एग्जाम्पली पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि दोबारा कोई और, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो जो कोई भी हो, दोबारा 1000 times सोचना पड़े दोबारा ये सब कुछ काम करने से पहले। सो एक एग्जाम्पली पनिशमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कल हम लोग पुलिस स्टेशन में भी गया था, आयो से भी मिला था, बात हुआ था, तो मैं तहे दिल से पुलिस जो भी प्रशासन है उसको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो लोग काम नहीं कर रहे, पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। सो जैसे ही वो लोग को पता चला कि विद इन 3 hours के वो में उन लोगों ने अरेस्ट किया बोला है, और साथ ही साथ वी ऑल नो कि हम लोग यहाँ पे किसी को, एक इंसान का, किसी का हम लोग अगेंस्ट नहीं है, बिकॉज क्रिमिनल एस साई सेड की पहले भी कहा है कि क्रिमिनल का कोई कास्ट नहीं होता, कोई रिलीजन, कोई धर्म नहीं होता, कोई सरनेम नहीं होता, कोई ट्राइब्स नहीं होता, क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल। सो उसके लिए हम लोग यही चाहेगा कि अगर प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन में अगर फाउंड होता है तो फाइनली उसको एकदम एस पर दी लॉ कड़ी से कड़ी सजा दे। और साथ ही साथ में थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे प्रेसिडेंट है और हमारे जो GS है ताना दो जी, जो कि अच्छी ताना दो जी और साथ ही साथ अच्छी रितुम ताली, उन लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिया, उन लोगों के डायरेक्शन पे ही हम लोग यहाँ आए और ये मूवमेंट को स्टार्ट किया, ये रैली को किया। सो उससे भी मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। एंड
एंड आई रियली हैव फेथ इन आवर सिस्टम. मैं अपना जो हमारा गवर्नमेंट है उस पर वी हैव रियली फेथ कि हमें पता है कि जस्टिस अगर हुआ है तो जस्टिस जरूर मिलेगा. और और रहा बात आपने कहा कि आए दिन ये सब बहुत आता है, डेफिनेटली आता है. पुलिस स्टेशन जाके देखिए बहुत सारा केस है और इससे पहले भी हम लोगों ने ढेर सारा केसेस भी सॉल्व किया है. तो हम लोग का वोमेन सेल का तरफ से यही रहेगा कि अभी हम लोग जितना हो सकता है हम लोग अपना तरफ से एक जितना जहाँ तक हम लोग का कैचमेंट है वहाँ पे हम लोग एक अवेयरनेस कैंप रखेगा जहाँ पे लड़की को स्पेशली स्कूल बच्चों को सिखाएगा कि गुड टच क्या होता है, बेड टच क्या होता है. जो पोस्को एक्ट है उसका हम लोग अवेयरनेस देगा कि आप इसको कैसे वो कर सकते हैं अगर किसी ने आपका साथ गलत किया है. तो दिस इज द सम पॉइंट्स जिसको हम लोग करना चाहेगा. और अभी जैसे आपने मेंशन किया चार्टर ऑफ डिमांड 4 पॉइंट आप लोग ने रखा, तो ये सिर्फ आप लोग ड्यूरिंग रैली रखा है कि आप लोग ने मेमोरेंडम कहीं सबमिट किया है? जैसे आज आप डीसी के ऑफिस के बाहर आप लोग ने धरना मतलब प्रोटेस्ट रैली को आप कल्मिनेशन किया है, तो आप लोग ने मेमोरेंडम कहीं किसी को सबमिट किया इस चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर? हाँ डेफिनेटली, ये जो मेमोरेंडम है उसका अभी हम लोग अभी फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग अभी सबमिट करेंगे डीसी के पास. सो डीसी के पास विल डेफिनेटली सबमिट. और बाकी आप लोग के आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने तो बता दिया इनिशिएटिव लिया जाएगा, अवेयरनेस आप लोग की तरफ से किया जाएगा और जो आए दिन का जो इश्यूज है उसको भी बताया, लेकिन और एक सवाल रहेगा कि काफ़ी केस रजिस्टर होता है, लॉन्ग पेंडिंग रहता है. सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का सबसे फेमस जो केस था कंट्रोवर्शियल जो था निर्भया का भी जो था वो काफ़ी सालों के बाद में हुआ है, तो अभी भी अरुणाचल में काफ़ी केसेस है जो मोलेस्टेशन का बोल रही है सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर. तो ये चीज़ को भी आपसू का वुमेन सेल देखेगी कि जो अभी तक कई लोग अभी तक जस्टिस नहीं मिला है उसको भी आप लोग डिग आउट करके देखेंगे ताकि जो एक जो कल्प्रिट है उसे सजा मिले? आप वैसे तो इतना केसेस ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमें जो जो रिपोर्ट करेगा हम उनको हैंडल करने के लिए ट्राइंग करें. इतना ज़्यादा केस है कि हम लोग सबको पीछे नहीं पड़ सकते क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा है. तो मेरा सिर्फ मेरा कहना ये है कि हर एक केस को हम लोग नहीं उठा सकेगा. जो ज़्यादा सीरियस या जो हमें लगता है कि हमें ये उठाना चाहिए तो हम उसको उठाएंगे. और क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एश्योरेंस दिया जाता है, रही बात आप लोगों ने जो रिलीफ का बात किया, कई लोग अभी भी नहीं मिला है तो, लेकिन अभी जैसे अभी प्रेजेंट की बात करें अभी पासीघाट में आप लोग आए हुए हैं और एज ऑफ नाउ का सबसे क्रिटिकल और सेंसिटिव केस कह सकते हैं, तो आप लोग की तरफ से मेक श्योर करें कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है जो फैमिली है उन्हें रिलीफ दिया जाए. ऐसे कहा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअली होता है ये के लिए ना कंपेंसेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज को पता नहीं होता है विक्टिम्स का ना. तो अगर हम लोग की तरफ से हो सकता है तो हम लोग हमेशा ये चीज़ को अवेयर करते रहेगा, मतलब जहाँ मतलब विक्टिमाइज हुआ हर किसी को बताना चाहेगा कि आपके लिए कंपेंसेशन है. जैसे कि रिसेंटली जो हम लोग एक केस सॉल्व किया है उसका भी मतलब परिवार वाला को पता नहीं था कि कंपेंसेशन है या क्या है, कुछ भी पता नहीं था. पर हम लोग ने केस को लिया, हैंडल किया एंड टैकल करने का बात ही हम लोगों ने उस कंपेंसेशन को भी दिलाने के लिए अपना बेस्ट दिया ना. तो हम लोग की तरफ से तो बेस्ट रहेगा. और इस बार का आपसू का मतलब ये मुद्दा रहा है कि हम लोग इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करेगा, तो हम लोग की तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम लोग देगा. तो आखिर में प्रेसिडेंट से हम बात करेंगे वुमेन सेल के जाते जाते, क्योंकि सिर्फ हम गवर्नमेंट को या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते. जो हीनियस क्राइम अभी हो रहा है अगेंस्ट वुमेन का, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर मोलेस्टेशन इन एवरी कॉर्नर, जैसे वर्क सेक्टर कह लीजिए, स्कूल में, कहीं में भी बहुत चीज़ें आए दिन बढ़ते ही जा रहा है अरुणाचल में. तो क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, एक सेंस ऑफ लाइक यू नो होना होगा कि ये सब चीज़ नहीं होना है. तो एज अ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का आप एपेक्स बॉडी के वुमेन सेल के प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी तरफ से कुछ मैसेज या फिर कुछ आप कहना चाहेंगे पब्लिक? हाँ जी जरूर, ये पब्लिक को मैं यही अपील करना चाहूँगा तहे दिल से कि काइंडली अब जब भी कोई ऐसा कोई होता है जो कल्पित होता है, जब आपको प्रूफ हो जाता है कि वो सच में उसने रेप किया है या फिर कोई भी ऐसा कुछ हीनियस क्राइम किया है, अगर प्रूफ हो जाता है तो कल्पित को आप लोग काइंडली बचाने के लिए कोशिश मत कीजिए, ये सब मत कीजिएगा. क्योंकि आप लोग अगर उसने बचाना शुरू कर देगा तो आप लोग इनक्रेज कर रहे हैं ये क्राइम को, और ये चीज़ जो बार बार होते रहेगा सोसाइटी में. और मे भी हमको ऐसा लगता है कि मे भी इन पास में ऐसा कुछ हुआ होगा, सो इसीलिए शायद ये जो अभी हम लोग देख रहा है सोसाइटी में, दैट्स वाई ये सब केसेस होते जा रहा है. अगर कोई अपना है सोच के बचाता है तो तभी जाके ये सब आगे होता है. तो यही मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है और जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग तो अपना काम करता ही है, लेकिन साथ में आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है. अगर जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेगा, आप लोग जब तक साथ नहीं देगा, आप लोग
जब तक जो कल्पित है वो लोग आप उसको आप बचाते रहेगा, ये सोसाइटी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। ये कभी ये जो हादसा है, ये जो रेप है, ये जितना भी क्राइम है, ये कभी कम नहीं होगा। इसीलिए मैं तहे दिल से कहना चाहूँगा कि काइंडली आप लोग ये सब चीज़ को काइंडली कभी भी इनकरेज मत कीजिए, हमेशा ये चीज़ को आप लोग भी कंडेम कीजिए जैसा हम लोग आपसू कंडेम करता है। वी ऑलवेज कंडेम सच काइंड ऑफ इंसिडेंट, तो काइंडली आप लोग भी इसको कंडेम कीजिएगा। और हमेशा जब भी ऐसा कुछ रैली होता है, कुछ प्रोटेस्ट होता है, पीसफुल धरना होता है, तो काइंडली आप लोग भी आइए, आप लोग भी साथ दीजिए। जैसा हमने कहा है कि आप लोग के साथ के बगैर हम लोग जितना भी करो कुछ नहीं हो पाएगा, आप लोग का साथ बहुत जरूरी है, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। और साथ ही साथ में लड़की लोग को भी कहना चाहूँगा, जो हमारा छोटा छोटा बच्चिया है, तो मैं उन्हें भी यही कहना चाहूँगा कि काइंडली आप लोग भी एवर रहिएगा और एवर रहिए, साथ ही साथ अपना जो आप लोग का राइट्स है उसको ये सब भी अपना राइट्स को जानिए। और पेरेंट्स को भी ये मैं अपील करना चाहूँगा अपने बच्चा लोग को आप लोग भी अच्छा वो दीजिए, अच्छा वो काइंडली वो लोग को अवेयरनेस दीजिए, बेताज गुत्ताज का बारे में आप लोग बताइए, ये सब गलत है, ये सब सही है, ये सबको आप काइंडली बताइएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जितना भी आज का ये जो यहाँ पे आया है इतना लास्ट, हम ये कहना चाहूँगा आज यहाँ पे देखिए आपसों के साथ साथ ढेर सारा पब्लिक आया, आपने देखा होगा हम लोग तो कम एक्सपेक्ट करते, मोर देन थाउजेंड्स आया है, स्कूल स्टूडेंट इज देयर और पब्लिक आया, सीनियर पब्लिक आया है, सीनियर लीडर्स आए हैं, बहुत ढेर सारा CBO, ढेर सारा DSU, फॉर एग्जाम्पल मान्य बहुत दूर से पक्के केसांग का जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ आए हैं। तो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। एंड या काइंडली लास्ट ऑफ ऑल, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहीं नहीं आप लोग याद रखिए, जो विक्टिम होता है, जो विक्टिम होता है यहाँ पे जब भी कुछ रेप केस होता है, जहाँ पे विक्टिम होता है, तो आप याद रखिए कि विक्टिम को सबसे ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा रह जाता है, तो उसे काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ पब्लिक को मैं यही अपील करना चाहूँ, अगर आपको पता चला है कि ये रेप सर्वाइवर है, विक्टिम सर्वाइवर कोई विक्टिम है, तो कहीं नहीं आप उसे इनकरेज कीजिएगा, उसे कभी भी आप फाइंड आउट मत कीजिए कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसा मत बोले, उसको साथ दीजिए, उसको आप सहारा दीजिए कि वो सर उठा के जी सके, क्योंकि उसमें उसका कोई भी नहीं चाहता कि उसका साथ रेप हो, है कि नहीं, नो वन वांटेड दिस काइंड ऑफ थिंग, कोई भी नहीं चाहते। तो काइंड नहीं उसे आप ऐसे सोसाइटी हम लोग को आगे बढ़ना होगा, साथ देना होगा, उसे सर उठा के जीने का हक देना होगा। और साथ ही साथ लास्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर किसी का साथ ऐसा कुछ घटना होता है, तो काइंड नहीं नो कॉम्प्रोमाइज की मत कीजिएगा, काइंड नहीं बाहर आइए, शर्म मत कीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ट्राइबल स्टेट में शर्म करके मिला मिली होकर अंदर में रह जाते हैं, दब जाते हैं, तभी जाके कल्पित को ज़्यादा और मौका मिलता है। तो काइंडली ऐसा कुछ भी किसी के साथ होता है, तो काइंडली आप इस्तेवाब कीजिए, बाहर आइए, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, हम लोग यहाँ में स्टूडेंट के साथ साथ पब्लिक के लिए है। सो काइंडली बाहर आइए, हमेशा अपना जो वो है, अपना जो हक है, उसको हक को आप मांगिएगा। थैंक यू सर। पासीघाट में माइनर का रेप केस को लेकर आज के दिन में काफी बड़ा एक रैली ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे डिटेल, केस की डिटेल और अपडेट क्या है। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट रिपोर्टेड हुआ था ऑन 20th of this month अराउंड 5:30 को रिपोर्ट हुआ था, फ्रॉम वुमेन केस पासीघाट में रिपोर्टेड हुआ था ये केस। तो इसमें जैसे ही रिपोर्ट हुआ तो उधर से खबर आया कि बेसिकली फ्रॉम जनरल हॉस्पिटल से खबर आया, जैसे खबर पहुँचा तो उसी वुमेन केस पासीघाट उनके टीम के साथ इमीडिएटली उधर चले गए। इसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, किसने क्या किया, क्या कैसे हुआ बोलते। तो उसमें जैसे ही हमको पता चला कि ये एक रेप विक्टिम है और माइनर है, तो हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर कर दिया, पासीघाट वुमेन केस नंबर 17/2076 इसको रजिस्टर कर दिया। एंड देन इमीडिएटली हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया इसके बारे में, तो सिंस SP साहब भी अभी स्टेशन पे नहीं, ट्रेनिंग कुछ ट्रेनिंग में चले गए, वन वीक के लिए चले गए, इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म किया, टेलीफोनिकली उनको बताया। तो उन्होंने एक टीम फॉर्म किया, पासीघाट वुमेन पुलिस से एक टीम फॉर्म किया, एंड देन जो जनरल PS है उससे उसको ऑफिसर से लेकर टीम फॉर्म किया। लेकिन हमने इसको टेक्निकल सर्वेलेंस करके ढूंढने का कोशिश किया, तो फिर एप्सकॉन हो गया था बाद में, हम जैसे ही ढूंढा था एप्सकॉन हो गया, इनपुट नहीं मिला, नहीं मिल पा रहा था इसका। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इनको
टेक्निकल इनपुट से तो कुछ सर्वेलेंस से तो हमें हेल्प नहीं मिल रहा था, इसे क्या किया कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके अपने सोर्स डेवलप करके उनको लोकेट करवाया, उसको वहीं से उनको कैसर के कंपेल किया कि वो कुछ सरेंडर कर रहे, या फिर हम अरेस्ट चाहते तो हम जाके भी आराम से अरेस्ट करते हैं, कंपेल किया उसको कि आ जाए, तो उसी में इसको अरेस्ट कर दिया विद इन नो टाइम विद इन। ये तो बहुत इसमें पासीघाट पुलिस का बहुत एक्टिव रोल था, इसमें अच्छे से काम किया, आई एम थैंकफुल टू माई ऑफिसर्स ऑल्सो, बहुत अच्छे से काम किया विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम में एक्सपोर्टिंग एक्टिविस्ट को पकड़ा हम लोग। इन्वेस्टिगेशन पार्ट में ऐसा है कि अभी विक्टिम तो इमीडिएटली उसका स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं ले पाया, क्योंकि वो अनकॉन्शियस स्टेट में था, तो जब वो जैसे वो रिकवर हुआ तो उसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया अंडर 161, एंड देन आज ही फिलहाल आज ही उसका अंडर 164 CRPC भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया विक्टिम का, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन तो दोनों करवा ही लिया, एंड देन एक्यूज्ड को जैसे अरेस्ट किया उसका फॉर्मेलिटीज, अरेस्ट में जो फॉर्मेलिटीज होता है वो सब किया है, एंड देन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो क्या क्या लेना चाहिए हमको, क्या कलेक्ट करना चाहिए उसका इनर गारमेंट्स, क्या उसका स्वेट जो भी करना चाहिए हमको कलेक्ट करके रख दिया, एंड देन अभी फिलहाल एक्यूज को इसके बाद सिंस इसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गया एक्यूज का भी, एंड देन उसका जितना भी कलेक्शन एविडेंस हम कलेक्ट करने कर लिया तो उसको अभी फिलहाल अभी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया एक्यूज को। केस का अभी जो स्टेटस ये है कि अभी केस जल्दी ही मतलब सही ट्रैक में है, केस जब स्टार्ट फ्रॉम डे वन से बिगिनिंग से लेके अभी तक सही ट्रैक में है केस जो, तो जैसे ही इसका अभी कुछ पॉइंट्स बचा है इसमें टेक्निकल पॉइंट्स जो, जैसे कि MLC अभी तक आया नहीं है ना, थोड़ा समय लगता है MLC का, जैसे MLC का विक्टिम का और उसका जैसे MLC मिल जाएंगे, एंड देन सैम्पल्स कुछ जो सैम्पल्स सब कलेक्ट किए थे उनको FSL में भेजना पड़ता है हमें बाहर, तो जैसे ही ये सब काम हो जाएंगे तो विद इन ये जो टाइम बाउंड पीरियड होता है होपफुली विल डेफिनेटली विल चार्ज द केस। वही मैं पूछने वाला था, उनका डिमांड भी था तो कितना समय करीबन कितना समय लगेगा जरा पता था, चार्जशीट फाइल होने के जैसे करीबन कितना समय लग सकता है? चार्जशीट फाइल होने में तो समय नहीं लगेगा, अभी 60 days का टाइम जो दे रखा है, बिफोर इट आई थिंक बिफोर आप कर सकना चाहिए इसका इस FSL, तो अभी क्योंकि FSL सैंपल्स तो हम अभी नहीं भेज पा रहे अभी वो बिकॉज आई एम नॉट ऑथोराइज सिग्नेटरी फॉर FSL में, उसको नहीं भेज सकता, तो फिर SP साहब आके उसको करवा देंगे, जैसे ही करवा दें उसको बात कर लें, सर में आते ही उसको सैंपल रेडी है, पैकिंग रेडी है, जस्ट उसका एक सिग्नेचर से जैसे आते कर देंगे उसको, अगर MLC रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएंगे, मैं उसको MLC के लिए डॉक्टर्स के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ तो जल्दी हो